तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी कि जो चैप्टर वन है कक्षा नौ की गणित का, लेसन वन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। और इसमें कुछ संख्याओं के बारे में भी है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो संख्याओं के बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम 1.1 में चलेंगे, ठीक। लेकिन चैनल पर नया है तो आप लोग सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लेना, फिर स्टार्ट करते हैं। अब संख्या पद्धति क्या, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि हमारी संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इसमें से कुछ संख्याएं निगेटिव होती हैं, कुछ संख्या पॉजिटिव होती हैं, यानी कि यहाँ से -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से हमारी संख्याएं इस साइड भी बढ़ती जाती हैं और इस साइड भी बढ़ती जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये संख्या है टोटल, अब इनमें से हम इनको नेचुरल नंबर कहते हैं। किनको नेचुरल नंबर कहते हैं, जो यहाँ से आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा। तो पहले होते हैं पूर्ण संख्याएं, क्या होते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, 0 से लेकर के आगे की सभी संख्याओं को अनंत तक, है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है। और यहाँ पर इसको डिनोट करते हैं किससे, अभी इनको डिनोट भी करते हैं, यानी कि 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को एक इंग्लिश का एक लेटर होता है उसे डिनोट करते हैं, डब्लू होता है, क्या होता है, डब्लू होता है, ठीक है ना। इससे डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है, आगे काम में आएगा यदि आप गणित सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो, ठीक है। फिर एक होता है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्या है, ठीक है ना, याद मैं संख्या कर देता हूँ। तो ये प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, अपनी 1 से लेकर के अनंत तक, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर ऐसे अनंत तक, और इनको n से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि प्राकृत संख्याओं के संग्रह को n से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। और कुछ और संख्याएं होती हैं, ये मैंने अभी 2 बताई हैं, ठीक है। और मैं आप पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक है ना, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो ये पूर्णांक संख्याएं किन्हें कहते हैं, ये अच्छे समझना आप लोग। यहां से 1 से ले 1, 2, 3, 4 को हमने क्या कहा, प्राकृत संख्या, ठीक है। फिर 0 को भी मिला दिया तो फिर हम किसे कहेंगे, पूर्ण संख्या। अब यदि हम इस साइड चलते हैं और इनको भी ले लेते हैं, -1, -2, -3, -4 को भी लेते हैं और इनको भी लेते हैं, 0 को भी ले, मतलब कि इन सभी संख्याओं को हम ले लेते हैं, ठीक है। इन सभी संख्याओं को जब हम लेते हैं, ठीक है, यहाँ की भी सभी संख्या, यहाँ की भी सभी संख्या, तब हम इनको कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं, पूर्णांक, यानी कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे आगे और ये सर, ठीक है ना। तो इनको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या, यानी कि पूर्णांक संख्याओं के अंदर माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं और प्लस वाली संख्याएं भी आती हैं। मतलब इन संख्याओं के पहले प्लस लगा हुआ, क्या लगा है, प्लस, क्या लगा है, इनके पहले प्लस लगा रहता है लेकिन साइलेंट रहता है। तो इनको डिनोट करते हैं किससे, जेड से, किससे डिनोट करते हैं, जेड से, ठीक है ना। यानी कि कहीं पर आपको जेड मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर पूर्णांक संख्याओं का संग्रह है। चौथा होता है परिमेय संख्या, क्या होता है, परिमेय संख्या, ठीक है ना, क्या होता है, परिमेय संख्या, यह भी बहुत जरूरी है। तो भैया परिमेय संख्या किनको बोलते हैं, तो पी बटे क्यू वाली संख्याओं को परिमेय संख्या बोलते हैं। यानी कि जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ संख्या 2/3, क्या लिखता हूँ, 2/3, ठीक है। तो 2/3 लिखता हूँ मैं यहाँ पर, इसको बीच वाली लाइन को बटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीच वाली लाइन को बटा बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, ठीक है, और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं, इसको अंश और इसको हर, ठीक है। तो ऊपर वाली को अंश, नीचे वाले को हर और बीच वाले को बटा, ठीक है ना, समझ गए। तो अब इस तरह की संख्याओं को परिमेय संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो कि बटे में रहती है, किस में रहती है, बटे में रहती है। ऐसी जितनी भी संख्याएं बटे में होंगी, जैसे कि यहाँ पर 1/2,
3/4, 6/7 है ना, ये सभी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। और इन्हें भी अभी कुछ संख्या परिमेय नहीं होती हैं, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी संख्या परिमेय नहीं होती है, लेकिन आप फिलहाल के लिए ये मान के चलिए कि ये वाली संख्या हमारी क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, 1/2, 2/3 और 3/4, ऐसे ही आगे, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। और इनको किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, कैपिटल क्यू से, किससे, कैपिटल क्यू से, ठीक है, आप याद रखना कैपिटल क्यू से इनको डिनोट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसका दूसरा पार्ट, यानी कि इस वीडियो का दूसरा पार्ट आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, ठीक।